हेलो दोस्तों, माय नेम इज चमित चौधरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार इंजीनियर पर। दोस्तों, अभी जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं ये है सेल्टोस का नया वेरिएंट एक्स लाइन। इसको कॉन्सेप्ट वेरिएंट के तौर पे लॉन्च किया गया था ऑटो एक्सपो में और ये एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में इस टाइप का कस्टम किट आपको मार्केट में अवेलेबल होगा सेल्टोस की तरफ से। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं तो फ्रंट ग्रिल में सबसे मेजर चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। टोटल पियानो ब्लैक फिनिश में इसको फ्रंट ग्रिल को रखा गया है और जो ग्रिल के इंटीरियर का स्ट्रक्चर है वो टोटली ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया है। साइड में आपको एक्स लाइन की अलग से बैजिंग मिलती है और इसको एक कॉपर लुक में दिया गया है। जैसे जीटी लाइन में इसको रेड इंसर्ट्स दिए गए थे, यहाँ पर इसको कॉपर इंसर्ट से डाला गया है। ग्रिल के ऊपर सेल्टोस के अलग से, जैसे कस्टम मेड हम मार्केट में ग्लो साइन बोर्ड लगवाते हैं या जो अलग से स्टिकर्स वगैरह लगवाते हैं, कुछ उस तरह का ये सेल्टोस का ऊपर से चिपकाया हुआ टाइप लग रहा है। अगर हेडलैम्प की बात करें तो वो उन्हीं हेडलैम्प्स को रिटेन किया गया है जो ऑलरेडी सेल्टोस के अंदर मिल रहे हैं। उसके बाद DRLs में भी कोई खासा चेंज नहीं किया गया है। लोअर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रोमिश और एल्यूमिनियम फिनिश का थोड़ा सा यूज़ किया गया है। थोड़ी सी जो इसकी लुक्स है वो थोड़ी रगेड हो गई हैं और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन सामने से निकल के आता है। लोअर बम्पर को पियानो ब्लैक फिनिश की स्ट्रिप से कवर किया गया है और जो फोग लैंप जहाँ पर आते थे वहाँ पर थोड़ा इंसर्ट्स का यूज़ किया गया है, कॉपर एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी शानदार और स्पोर्टी लुक यहाँ पर निकल के आती है। ऑलरेडी सेल्टोस काफ़ी प्रीमियम गाड़ी लगती थी फ्रंट से, बट जो ये इंसर्ट्स आए हैं, ये कॉपर इंसर्ट्स जो एक्स लाइन में डाले गए हैं, ये इसके लुक्स को और ज़्यादा स्पोर्टी बना देते हैं। बात करें इसके बोनेट की तो ऊपर की तरफ दो ग्रूव्स अलग से डाले गए हैं, कस्टम मेड ग्रूव्स हैं ये, हालांकि फंक्शनल नहीं है बट दिखने में काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं। और ये देखिए, लुक्स जो इसकी ग्रिल की है वो काफ़ी शानदार लुक्स यहाँ पर निकल के आई है और प्रीमियमनेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है इस वाले वेरिएंट में। और ये जो लोअर बॉडी क्लैडिंग है इसको भी थ्रू आउट पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। व्हील पर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया है, पूरा डार्क कर दिया गया है। और बीच में जो किया के लोगों के अराउंड जो यहाँ पर जीटी लाइन में रेड कलर का इंसर्ट देखने को मिलता था, यहाँ पर आपको कॉपर कलर में वो दिया गया है और काफ़ी प्रीमियम लगता है ये देखने में। साइड में भी आपको एक नया एलिमेंट एड ऑन मिलेगा यहाँ पर, जो लोअर जो स्किड प्लेट हुआ करती थी साइड में, उसमें एक बिल्कुल क्रोम और सिल्वर फिनिश का थोड़ा यूज़ किया गया है और नए एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं जो डिज़ाइन वाइज काफ़ी बेहतर लगते हैं और काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पर साइड से निकल के आई है। और इस एलिमेंट के एडिशन के बाद थोड़ी सी टैकी लुक यहाँ पर निकल के आई है और गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लुक देती है यहाँ पर। हालांकि ए पिलर को, बी पिलर को, सी पिलर को टोटल ब्लैकआउट रखा गया है पियानो फिनिश में। ऊपर की तरफ जो रूफ रेल है उसको थोड़ा सा नया डिज़ाइन दिया गया है, जो सोनेट में थोड़ा सा आपको देखने को मिले था उसी टाइप की रूफ रेल यहाँ पर दी गई हैं, जो गाड़ी की हाइट को भी इम्प्रूव कर देते हैं और लुक्स को भी थोड़ा और रगेड बना देते हैं। ORVMs और डोर हैंडल्स को बॉडी कलर में ही यूज़ किया गया है और इंडिकेटर्स अभी भी जो आपके ORVMs है उसी के ऊपर रिटेन किए गए हैं। नीचे की तरफ आपको 360 डिग्री जो कैमरा है उसका यहाँ पर इंसर्ट देखने को मिलेगा। पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो ओवरऑल प्रोफाइल में कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही जो फ्रंट में एक सेल्टोस की बैजिंग जो बोनेट के ऊपर लगाई गई थी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में पीछे की तरफ ब्लैक इंसर्ट से सेल्टोस की बैजिंग बनाई गई है। जो क्रोम की जो स्ट्रिप है वो दोनों टेल लाइट्स को कनेक्ट करती है और इसी के बीच में किया की बैजिंग डाली गई है। और जो आपका रियर बम्पर है उसको पियानो फिनिश में रखा गया और नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है उसको एल्यूमिनियम और क्रोम फिनिश में थोड़ा सा रखा गया है। और जो डुअल मफलर डिज़ाइन है उसको भी रिटेन किया गया है। और जो रियर लैंप्स है यहाँ पर, जैसे फ्रंट में फोग लैंप में जो एलिमेंट्स का यूज़ किया गया था और जो उनके बाहर कॉपर के इंसर्ट्स का यूज़ किया गया था, ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़ाइन जो पीछे की तरफ भी आपको देखने को मिलेगा। जो एक्स लाइन है उसकी बैजिंग दी गई है। कॉन्टूर्स जो पहले किया सेल्टोस में आते थे ऑलमोस्ट उन्हीं को रिटेन किया गया है। और जो आपका रियर वाइपर और डीफोगर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऊपर की तरफ आपको ब्लैक स्पॉइलर, ब्लैक शार्क फिन एंटीना और ब्लैक रूफ डिज़ाइन मिलता है। और जो रूफ रेल्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम लगती हैं पीछे से देखने में। दोस्तों, इन चेंजेज को हम मेन चेंज नहीं कहेंगे, काइंड ऑफ कॉस्मेटिक चेंज हैं, जो कि लोग जनरली कस्टम मेड जो गाड़ियाँ मार्केट में बनवाते हैं, जो बाहर से कुछ मॉडिफिकेशंस करवाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का किट टाइप का यहाँ पर चेंज किया गया है। और हो सकता है आने वाले टाइम में किया सेल्टोस अपने लेवल पे, कंपनी लेवल पर ही आपको कस्टम किट्स प्रोवाइड कर दे जो आप एग्जिस्टिंग गाड़ी के ऊपर माउंट करवा सके।
हालांकि एक्स लाइन वेरिएंट में अंदर इंटीरियर में क्या क्या चेंजेज हुए हैं उनको अभी तक डिस्प्ले नहीं किया गया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह के कॉस्मेटिक चेंजेस बाहर किए गए हैं कुछ उसी तरह के कॉस्मेटिक चेंजेस हमें अंदर भी देखने को मिलेंगे। जो आपके वेंट्स हैं उनके अराउंड जो आपके इंसर्ट्स होंगे उनमें थोड़ा सा कॉपर एलिमेंट को ऐड किया जाएगा, सीट्स की जो फैब्रिक लाइन होती है उसमें कॉपर के एलिमेंट का यूज़ किया जाएगा, और जो छोटी छोटी एक्सेसरीज या फिर आपके जो कप होल्डर्स हैं उन जगह पर भी आपको कॉपर एलिमेंट के यूज़ को देखने को मिलेगा। वहीं गाड़ी के डायमेंशंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट और रियर दोनों में मिलते हैं, पार्किंग कैमरा जो होता है वो इसका 360 डिग्री है जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है, और सबसे बढ़िया बात जो इस गाड़ी में नए फीचर आए थे वो थे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। जो आपका MID डिस्प्ले है उसी के ऊपर आपको ब्लाइंड स्पॉट दिख जाएगा गाड़ी की टर्न्स के टाइम पर, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 7 इंच का पूरा LCD MID दिया गया है इसके अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्राइव मोड्स मिलते हैं, ट्रैक्शन मोड्स आपको मिल जाते हैं, हेड अप डिस्प्ले जो इस सेगमेंट में ही नहीं इंडिया की पहली गाड़ी है जिसके अंदर हेड अप डिस्प्ले आती है जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है नेविगेशन में, और इस गाड़ी में आपको सिंगल सनरूफ मिल जाती है, टच स्क्रीन आपको 10.25 इंचज का मिल जाता है, और कार की कनेक्टिविटी के लिए यूवो कनेक्ट ऐप का यूज़ किया गया है। वहीं अगर इसके इंजन ऑप्शंस की बात करें तो पेट्रोल में आपको दो टाइप के इंजन मिल जाते हैं, एक 1497 cc का इंजन मिल जाता है जो कि 4 सिलेंडर इंजन है, 115 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। ट्रांसमिशन में आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है और ऑटोमेटिक में आपको CVT मिल जाता है। वहीं 1353 cc का जो इंजन है वो भी 4 सिलेंडर टर्बो इंजन है, 140 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है और 242 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है और 7-स्पीड DCT आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है। वहीं अगर डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 1493 cc का 4 सिलेंडर टर्बो इंजन मिलता है जो कि 115 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन में आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर में ऑटोमेटिक मिल जाता है। और दोस्तों उम्मीद है कि किया सेल्टोस बहुत जल्द इस तरह की कस्टम किट्स आपके लिए मार्केट में अवेलेबल करवा देगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन कौन से किट्स में चेंजेज और आप पसंद करते और ज़्यादा अच्छा होता किया सेल्टोस के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।